युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 5 दिसंबर 2019 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि मध्य रात्रि 1:44 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल दोपहर 1:30 से लेकर 2:46 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। आज आपका माइंडसेट नेगेटिव रहने वाला है, जिसकी वजह से आप आज परेशान रहेंगे और किसी भी कार्य में आज आपकी रुचि नहीं रहेगी। आत्मविश्वास की कमी की वजह से जो भी कार्य आज आपके हाथ में होगा उसे आप कर पाने में खुद को असक्षम महसूस करेंगे। मेरी आपको सलाह है कि मेडिटेशन का सहारा लें, इससे आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आपके शरीर से, आपके मन से बाहर निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी का अपने शरीर में संचार होने से आपका आत्मविश्वास पुनः लौट कर आ जाएगा। आज आपको किसी भी स्थिति में गुस्सा करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से बड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। इसी सिलसिले में मेरी आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर भी आज आप संयम बनाए रखें। वाद विवाद से बचना ही आपके लिए सही रहने वाला है। आज आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप घबराएं नहीं और मेहनत करके और साहस के बल पर इन प्रतिकूल हालातों का सामना करते हुए इनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको कोई मौसमी बीमारी घेर सकती है। आज आपको अपने इष्ट देव को स्मरण करना चाहिए। जिन भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जिन पर आप विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा करके आज आप उनसे आशीर्वाद मांगे कि वो आपको किसी भी स्थिति में विचलित ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुके हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको
अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज शिव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। आज आपको शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ाते वक्त शिव जी को ध्यान करते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके विवाह में आ रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें और आपकी शादी के योग को और मजबूत करें। माता पार्वती को भी आज याद करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ये उपाय नित्य करना चाहिए और जल्द से जल्द श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करने से आपके जो विवाह के योग हैं वो मजबूत होंगे और आपकी जो शादी है वो जल्द ही तय हो जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी, मैंने ये अंगूठी पहना, मुझे काफ़ी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला, मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे और कुछ बाकी था मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं से यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आप आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।